छेवीं जमात के बहुत ही सियाने ते बहुत ही प्यारे विद्यार्थियो, विशा है स्वागत जिंदगी खुशहाल जीवन वल वधदे कदम। प्यारे विद्यार्थियो, इस वीडियो लैसन राही आपां पाठ छेवां पढ़ांगे भी। इस पाठ नाल संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर भी जाणांगे, खाली थावां भी भरांगे, सही अते गलत कथना संबंधी भी जानकारी हासिल करांगे। पाठ छेवां है वहमां भरमां तों बचाओ। वहम भरम सियाणप नूं कुण वांग खा जांदे हन। 6.1 जाण पछाण। अज दे विज्ञानिक युग विच जिथे इंसान चन्न तक पहुँच गया है, उसकी सोच अजे भी किते ना किते पछड़ी हुई है। हरेक स्थिति विच वह तर्कसंगत होके नहीं सोचता, उसने आप ही कुछ गलत धारनावां बनाईआं होईआं हन जिन्हां दा वो पालन करता है। वह उस सोच तो बाहर नहीं आ पाउंदा। उसका दिमाग भी इन्हां वहमां भरमां दा गुलाम हुंदा है। प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं अपने परिवार जां आंढ गुआंढ विच चल रहीआं कुरीतियां अते गलत धारनावां बारे जाणू होवोगे। वहम भरम वो सोच है जो असी असलियत नूं भुल के अपने मन विच डर जां धारना बना लैंदे हां। ये एक पिछां खिचू सोच है जो सानूं अगे वधन नहीं दिंदी। की तुसीं दस सकदे हो कि ये वहम भरम किहड़े-किहड़े हन? नंबर 1, मगरों आवाज़ मारन ते कम नहीं बनदा। नंबर 2, बिल्ली रस्ता कट जावे तां कुछ माड़ा हुंदा है। नंबर 3, सवेरे सवेरे सरपंच दे दर्शन माड़े हुंदे हन। नंबर 4, सवेरे सवेरे सफाई सेवक दे दर्शन चंगे हुंदे हन। नंबर 5, पेपर तो पहला दही खाना चंगा हुंदा है। नंबर 6, डोली तुरन वेले कार दे टायरां ते पानी पाउणा चंगा हुंदा है। नंबर 7, खाली भांडा मत्थे लगे तां माड़ा हुंदा है। की कदे तुहाडे घर किसी ने कहा कि घरों किसी जरूरी काम लई उदों नहीं जाईदा जदों बिल्ली तुहाडा रस्ता कट जावे? जां की प्रीख्या देण जाण तों पहलां तुहाडे मम्मी ने कदे तुहानूं कहा कि खंड जां कोई मिठी चीज़ खा के जाओ? इस नाल पेपर बहुत वधिया होवेगा क्योंकि यह बहुत शुभ मन्या जांदा है। की तुसीं उन्हां दीआं इन्हां सारीआं गल्लां दे पिछे दा तर्क दस सकदे हो? इस दा कारण यह है कि उन्हां दे जीवन विच इस दे नाल जुड़ी कोई घटना हुंदी है जिस करके उन्हां दे विचार सकारात्मक जां नकारात्मक हो जांदे हन। हुण तुसीं उन्हां विचारां दी सूची बनाओ जिन्हां उत्ते तुहानूं विश्वास नहीं करना चाहीदा, पर किसी अणहोणी दे डर तों तुसीं उन्हां नूं मन्नदे रहिंदे हो। इहो जिहियां कुछ गल्लां दसो। नंबर 1, प्रीख्या तों पहलां दही जां कोई मिठी चीज़ खाणा पेपर खराब हो जाण दा खतरा मुल नहीं लै सकदा। नंबर 2, मगरों आवाज़ वजे तां माड़ा हुंदा है। मैं इसलिए इसनूं मन लैंदा हाँ कि किते मेरी मेहनत व्यर्थ ही ना चली जावे। नंबर 3, किसी टूने दे उत्तों दी लंघना जां टूने दी कोई चीज़ खाना माड़ा हुंदा है। मैं इसलिए मन लैंदा हाँ क्योंकि मैं कोई खतरा मुल नहीं लैना चाहुंदा। हुण असी एक सर्वे करना है जिस विच तुसी लोकां दे विचार घरों लिख के लियाउणे हन कि वह वहमां भरमां दे हक विच हन जां खिलाफ हन। तुसी हेठ लिखे अनुसार यह करना है। व्यक्ति दा नाम, विचार, कारण। नंबर 1, सरदार शमिंदर सिंह। विचार, विरोध विच। कारण, वहमां नूं नहीं मन्नदे। नंबर 2, श्रीमती कृपाल कौर। विचार, हक विच, इन्हां नूं सच समझदे हन। नंबर 3, श्रीमती बिमला राणी। हक विच, कोई खतरा मुल नहीं लैना चाहुंदे। नंबर 4, श्रीमती दलजीत कौर। हक विच,
उन्होंने कई बार अजमाया है, ये वहम नहीं सच हैं। नंबर पांच, सरदार बलबीर सिंह विरोध विच वहम सिर्फ दिमाग खराब करते हैं, होर कुछ नहीं। ये पॉइंट दो, प्यारे बच्चियो पिछले हफ्ते तुहानू एक सर्वे करने लई कहा गया सी, जिस विच तुसी अपने परिवार अते मित्रां कोलों उन्हां दे वहमां भरमां वाले विचार वास्ते पुछण अते रिकॉर्ड लियाउण बारे कहा गया सी। उम्मीद है कि तुसी ए लै आए होवोगे। हुण असी गिणदे हाँ कि तुहाडे सारिआं द्वारा इकट्ठे अंकड़े अनुसार कुल किन्ने लोग वहमां भरमां नूं मनन वाले ते किन्ने ना मनन वाले हन। की तुहानू पता है कि लोकी इन्ने वहमी क्यों बन जाते हैं? तुसी कदी ये सोचने की कोशिश की है कि लोगों ने अपने मन दे विच ये डर क्यों बिठाए हुए हैं? हुण असी ये देखांगे कि इन्हां वहमां दे पिछे जां ये वहम मनन दे की कारण हैं। कई बार मनुख जां समाज दे लई कई गल्लां ठीक नहीं हुंदियां, पर वार वार समझाउण दे बावजूद लोग नहीं समझते, इसलिए उस गल नूं मनाउण लई उस नाल अलग अलग तरह के वहम जोड़ दिते जांदे हन, जिस करके वह डरदे हुए उन्हां गल्लां दा पालन करन लग जांदे हन। तुसी हुण इस तरह के कुछ वहम भरम अते उन्हां दे नाल जुड़े हुए तर्क लभण की कोशिश करो। पहला उदाहरण वजों तुहाडे लई कीता गया है वहम, रात नूं दरख्तां थले ना सोवो क्योंकि उत्थे भूत हुंदे हन। व्याख्या, रात नूं दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड छड्दे हन जदों के सानूं साह लैण लई ऑक्सीजन की लोड़ हुंदी है। इस करके जदों बहुत समझाउण दे बावजूद लोग मनन नूं तैयार ही नहीं हुंदे तां उस दे नाल भूत दा डर बिठा दिता गया, ते हैरानी दी गल है कि इस नाल सारे सहमत हो जाते हैं। वहम मगरों आवाज वजे तो काम नहीं बनता। व्याख्या, असल विच जदों असी किसी काम नूं करन लई घरों तुरदे हाँ तो साडा ध्यान साडे काम वल हुंदा है, पर मगरों आवाज वजन नाल असी आवाज मारन वाले की गल सुनन लगते हाँ अते साडा ध्यान साडे काम वल घट रह जाता है। अद्धे मन नाल कीता काम आम तौर पर सही नहीं हुंदा, इसलिए ये वहम बन गया। वहम, बिल्ली रस्ता कट जावे तां कुछ माड़ा हुंदा है। व्याख्या, बिल्लियां चूहे खांदियां हन, उन्हां दी लार विच कई तरह के बीमारी के कीटाणु हुंदे हन। पुराने समय विच बिल्लियां कारण कई बीमारियां हो जांदियां सन, इसलिए बिल्ली दा कोलों लंघना माड़ा समझा जाण लग्या। कदे ये उसे तरह सच सी जिवें अज टीबी दे मरीज जां करोना दे मरीज नज़दीक जाना। वहम, पेपर लई जाण तों पहलां मिठी चीज़ जां दही खाना चंगा। व्याख्या, पेपरां वाले दिनां विच पढ़ाई कारण विद्यार्थी खाण पीन वल ध्यान नहीं दिंदे। पहलां स्कूल दूर हुंदे सन, शरीर नूं एनर्जी देण लई मिठी चीज़ दित्ती जांदी सी। इसे तरह दही खाना पेट लई चंगा हुंदा है, जेकर पेट सही रहेगा तां दिमाग भी वधिया काम करेगा। इस तों इलावा मिठी चीज़ जां दही माता वल्लों दित्ता प्यार भरिया आशीर्वाद भी हुंदा है। वहम, डोली तुरन वेले कार दे टायरां ते पानी पाउणा। व्याख्या, पुराने समय विच डोलियां कारां दी थां पशु गड्डियां जां टांगियां ते लिजाईयां जांदियां सन। चक्के लक्कड़ दे हुंदे सन ते चक्कियां उत्ते लोहे दियां पत्तियां लगियां हुंदियां सन जो गर्मी कारण राह विच लै जांदियां सन। पत्तियां चक्कियां तों ना लहण इसलिए तुरन लग्यां चक्कियां ते पानी पाया जांदा सी। हौली हौली ये रिवाज बन गया।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6.3 ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਿਤ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਉੱਤਰ, ਮੋਹਿਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਬਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚੋ, ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਵਹਿਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ।
एक बेनती है, कृपा करके चैनल दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स नो सबसक्राइब जरूर कर लिया जाए। जो तुसी चैनल नो सबसक्राइब करोगे बैल दे आइकन नो प्रेस करके ऑल दी ऑप्शन जरूर चुन लेनी है ता जो इसे तरह दियाँ होर एजुकेशनल वीडियोज़ आपनो मिल दिया रहन। प्यार विद्यार्थियों, इस तो अगले वीडियो लैसन विच आपां पाठ सत्तवां पढ़ांगे भी, इस पाठ नाल संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर भी जानांगे, खाली थावां भी भरांगे, सही अते गलत कथनां संबंधी भी जानकारी हासिल करांगे। पाठ सत्तवां है सहयोग अते संबंधिता। प्यारे विद्यार्थियों, हुण तुहानूं चैनल नूं सबसक्राइब करना सिखाया जाएगा। तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन तो इलावा तुसी इस चैनल ते इंग्लिश, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, समाज सेवा, कोरोना केयर आदि अनेक टॉपिक्स ते वीडियो वेख सकते हो। चैनल नूं सबसक्राइब करन ते धन्यवाद। यूट्यूब दी सर्च बार दे विच आपां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखना है, साडे कोलों एक नवा पेज आ जाएगा, उन्दे उपरले पासे लिखा हुआ है दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ते हेठां ऑप्शन दिती है सबसक्राइब दी, तुसी डायरेक्ट इत्थों भी सबसक्राइब कर सकते हो। जेकर कोई वीडियो देख रहे हो, जिवें कि आपां चैनल खोल लिया ते आपां कोई वीडियो देख रहे हाँ, तो जदों वीडियो चलेगी साडे कोल कुछ ऑप्शनस आणगियां, तो साडे कोल ऑप्शनस आ गईयां इत्थे जिथे फोटो लगी है हेठां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखा होया है, इहदे नाल आ सबसक्राइब का बटन है, तुसीं सबसक्राइब का बटन नप लेना इस नूं, ते तुहाडे कोल तीन ऑप्शनस आणगियां। जदों इस नूं आपां नपांगे तो तीन ऑप्शनस आणगियां, उहदे उपर लिखा होया ऑल, तो ऑल दी ऑप्शन जिहड़ी है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।